हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे वेजिटेरियन शावरमा। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और जितना देखने में अच्छा लगता है उससे कहीं ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग किसी भी परात में मैदा ले लेंगे। सबसे पहले मैं लच्छेदार पराठे बनाऊँगी, और पराठे बनाने के लिए मैदे में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। ऑयल को हमें मैदे में अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि मोया अच्छे से लगा लेना है। जब मोया हमारा अच्छे से लग जाएगा मैदे में, तब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। जब हमारा मैदा में ऑयल लग जाएगा, तब देखिएगा मैदे का कलर चेंज हो जाएगा, और जब हम लोग मुट्ठी बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगी। ये हमारा मैदा तैयार हो चुका है, देखिए मुट्ठी भी बन गई। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अभी हमारा डो बनने लगा है, हमें अपना डो बना के उसे 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। ये मैं 15 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। अब हम लोग वेजिटेबल बनाएंगे। सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल में मैं 1 बड़ी प्याज डाल दूंगी बारीक काट के। इसे हम लोग थोड़ा सा सॉटे करेंगे। फिर 2 बड़ी गाजर जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है प्याज में डाल दूंगी, और 1 शिमला मिर्च डाल दूंगी। अब इसे भी हम लोग थोड़ा सा चला लेंगे। अब हम लोग 1/2 कैबेज डालेंगे। अगर आपका कैबेज छोटा है तो आप पूरा डाल दीजिए, और अगर बड़ा है तो उसको 1/2 डाल दीजिए। चाहे तो ग्रेट करके डाल सकते हैं या काट कर भी। मैं यहाँ पर काट कर डाल रही हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा इसको चलाएंगे, यानी वेजिटेबल्स को आपस में मिक्स कर देंगे। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। अब हम लोग इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस ऐड करूंगी। अब इन्हें हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें कॉर्न ऐड करूंगी। कॉर्न जो है, चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन टेस्टी बहुत लगते हैं, इसलिए इसे ज़रूर ऐड करिएगा। और थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, 8 से 10 काली मिर्च थी, और बहुत थोड़ा सा नमक, क्योंकि सॉसेज में पहले से ही नमक होता है। अब हम लोग 1 बड़ी सी लोई लेंगे और इसे बेल लेंगे। हमारी जब तक सब्जी तैयार हो रही है, तब तक हम लोग अपना पराठा बनाएंगे। सब्जी जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग उसे यूज़ में लेंगे। ये मैंने रोटी की तरह इसको बेल लिया। थोड़ा सा हम लोग मोटा ही पराठा रखेंगे, क्योंकि टेस्ट मोटे ही पराठे में आता है। अब लंबी लंबी इसमें स्ट्रिप्स काट लूँगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि किनारे जो हैं आपके जुड़े रहें, सिर्फ बीच में ही लाइनिंग रहे। अब इसमें बहुत सारा ऑयल अप्लाई करेंगे। अब मैं मैदे से इसकी डस्टिंग कर दूँगी। अब जो हमारी स्ट्रिप्स थी, उन्हीं स्ट्रिप्स को हमें एक के ऊपर एक रखना है। बस ऐसे ही आप फोल्ड करते जाइए अपने पराठे को। अब इसे हल्का सा हम लोग हाथ से इस तरह से कर लेंगे, और अब गोल करते हुए इसे बीच से दबा देंगे। ये हमारी एक लोई फिर से तैयार हो गई। अब इसे हम लोगों को बहुत आहिस्ता से बेलना है।
ताकि हमारी जो स्टिप्स हैं वो ज़्यादा चिपके नहीं। चाहे तो आप हाथ से भी इसको कर सकते हैं। पहले बड़ा ये देखिए, ये हमारा पराठा बन गया। बस ऐसे ही हमें अपने पराठे को बेलना है। अब इसे हम लोग फ्राई करेंगे। पहले मैं 1 टेबल स्पून ऑयल लूँगी और गर्म कर लूँगी थोड़ा सा। अब इसमें हम लोग अपना पराठा डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम लोग सेकेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मोटा होता है इसलिए अंदर तक सेकना ज़रूरी होता है। और थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हुए इसको सेकेंगे। जब एक साइड से सिक जाएगा हल्का सा, तब इसे हम लोग पलटा देंगे। फिर ऑयल डाल के इसे दोनों साइड से बढ़िया सा कलर आने तक इसको सेकेंगे। देखिए कितना अच्छा हम लोगों का सिक्के रेडी हो चुका है। और लच्छा देखिए ऐसे ही एक अलग हो चुका है। देखिए एक एक लेयर जो है पराठे की अलग दिख रही है। बस ऐसे ही हमें पराठा चाहिए था। अब सबसे पहले एक टिश्यू पेपर लेंगे हम लोग। उसे नीचे रखने से पहले पहले मैं मेयोनीज डाल दूँ। ये एगलेस मेयोनीज है। आप चाहें तो एग वाली या बर्गर वाली भी ले सकते हैं। अब टिश्यू पेपर हम लोग पहले बिछा देंगे नीचे। अब मैं मेयोनीज को फैला दूंगी अपने पराठे पे। ये मैंने अच्छे से चारों तरफ पराठे में लगा दी मेयोनीज। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टोमेटो सॉस डालूंगी, उसे भी फैला दूंगी मेयोनीज के ऊपर। इससे बहुत टेस्ट अच्छा हो जाता है। जब आप खाने लगें पराठे बना के रख लीजिए, या कोई गेस्ट आए तो पराठे पहले बना के रख लीजिए, बाद में मेयोनीज और वेजिटेबल डाल के उसे सर्व करिए। अब बहुत सारी हम लोग इसमें वेजिटेबल डालेंगे। चाहें तो आप इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ी पराठा नहीं बना रही हूँ। इसके ऊपर फिर हम लोग थोड़ी सी मेयोनीज डाल देंगे। मेयोनीज डालने के बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा टोमेटो सॉस भी डाल देंगे। अब इसे हम लोगों को फोल्ड करना है। उसके लिए सबसे पहले एक सिरा मोड़ दीजिए और दूसरे सिरे को इसके ऊपर कर दीजिए। एक साइड से टिश्यू पेपर दबा दीजिए, थोड़ा सा पराठा ऊपर कर दीजिए और इसको रोल कर दीजिए। ये हमारा पराठा एकदम ही रेडी हो चुका है। ये हमारा वेजिटेरियन शावरमा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसे ही हम सारे अपने पराठे बना लेंगे। ये हमने अपने शावरमा रेडी कर लिए हैं। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और इसको खा के मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।